आप जो है खतरनाक मंजर देख रहे हैं, यह है गांव जमालपुर का। आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर तक पानी का बहाव, गांव हो रहा है नदी में तब्दील। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। आपको बता दे कि यह दृश्य पिछले काफी दिनों से देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पर शासन प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। आम आदमी की दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। आए दिन होते हैं यहाँ पर कोई ना कोई हादसे, इसकी सभी जानकारी लेंगे यहाँ पर मौजूदा व्यक्तियों से कि किस प्रकार आम जनता परेशान हो रही है और कौन व्यक्ति इस काम में इन्वॉल्व है, किन व्यक्तियों का, किन शासनिक अधिकारियों का कसूर है जो यह समाधान नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और आज जुड़ा हूँ ऐसे ऐतिहासिक गांव से जो कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र का ऐसा मजबूत गांव कहूँगा जिस गांव के अंदर काफ़ी नेताओं ने जन्म लिया है। मौजूदा नेता जो भाजपा के अंदर बहुत ही ऊंचे पद पर है, भूपेंद्र यादव जी। और ये आपको बता दूं कि ये गांव जमालपुर जो आप दृश्य देख रहे हैं मेरे पीछे, जो इन गांव मतलब नदी में तब्दील हो रहा है गांव फिलहाल, इस गांव को आज से 8-10 साल पहले भाजपा सरकार के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम जी ने भी गोद लिया हुआ था। गोदली हुए गांव के ऐसे हालात है, गांव नदी में तब्दील हो रहा है और इसका कोई समाधान नहीं है। यहाँ के मौजूदा व्यक्तियों से बातचीत करेंगे कि किन लोगों से इन्होंने बातचीत की, क्या यहाँ का कसूरवार सरपंच है, पार्षद है, MLA है, MPA कौन है, या पूरी सरकार इसमें लिप्त है कि इस गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे अंकल जी नाले के विषय में, जो नाला बन चुका है गाँव? नाला तो बंद हो गया जी, फिर नाले का पानी सारा यहाँ आ रहा है। सारा यहाँ आ रहा है। तो या क्या, कैसे आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, आने जाने की सुविधाएं या दुकानों पे आते हैं कस्टमर? बन हुई लता उत्ता खराब करके आज यहाँ का छेट छाट लागती रहे और आता रहे नहीं। तो यहाँ के मौजूदा सरपंच से सर कोई बातचीत हुई? मौजूदा सरपंच ने तो बहुत कोशिश करी थी। तो किन वजह से फेल हुआ काम? क्योंकि सरपंच साहब से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि भाई मैंने अभी क्लीन करवा दिया है रोड को, आज से 20-25 रोज पहले के बाद करवा दिया था। तो फिर अभी ऐसा क्या होगा कि दोबारा पानी जमा है? वो बिजली में कंप्लेंट कर दी गई, बिजली विभाग में कंप्लेंट हुई। किस कारण बस कुछ है कंफर्म? वो डायरेक्ट डायरेक्ट लाइन चला रहे थे। ये कंफर्म है कि डायरेक्ट लाइन चला रहे थे, उसे शिकायत हो गई। तो अभी फिर इसका क्या समाधान हो, किन से कहना चाहेंगे आप लोग? अब वो तो सरपंच ही कर सके कोई समाधान, उससे बिजली वाला तो मिल के जी मीटर नहीं। गांव से मौजूदा पार्षद रितु यादव भी है आपके गांव से, प्रशासन तो करेगा ये पानी का समाधान चाहिए। हम भी दुकानदार हैं यहाँ के, बाकी ना तो कोई गिरा इस पानी में आवे ना कोई और आ रहे हैं। हम ठाली बैठे पिछले तकरीबन 1.5 साल से। दुर्घटना किस प्रकार की आप? दुर्घटना लेडीज पड़ जाए बच्चे के साथ, आगे तो इतना गड्ढा है, बहुत बुरा गड्ढा है, पूरा का पूरा पानी में पड़ जाए, गाड़िया का बम्पर सारा पाट रहे, सारी चीज पाट जाए। और हम परेशान हैं, कोई भी समाधान ना कर रहे, चाहे उसमें कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो। सर मंत्री जी भी इसी गांव के, भूपेंद्र यादव जी? हम नहीं तो मिले हैं, बाकी गांव वाले मिले हैं। बहुत ही शालीन व्यक्ति आप बातचीत करोगे तो बहुत ही अच्छे अंदाज में बात करने वाले व्यक्ति। हम तो हाथ जोड़ के ये कहो हमारो समाधान चाहिए, हम तो दुकानदार है, हमने अपना काम चाहिए। अगर ये समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्रशासन करो, चाहे सरपंच करो, चाहे MLA करो। क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो यही कहने जाएंगे, प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मौजूदा हालत को देखते हुए, बड़े बुजुर्ग काफी लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं यहाँ पे, सरपंच साहब से कहा, MPA MLA तक भी हमने दौड़ लगाई लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्य ठीक नहीं हो रहा है। हम रेंट दे रहे हैं 20,000 रुपये यहाँ का, और दुकान का किराया 20,000 रुपये किराया दे रहे हैं हम, और मालिक को तो किराया चाहिए, हम कहाँ जाएं? आप बताइए, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी हमारा काम कराए, हम विनती कर रहे हैं आज जोड़ के सब लोग। सर पार्षद भी इसी गांव से हैं जी, विधायक जी भी नजदीक, पार्षद जी के पास हम तो खैर नहीं गए, लेकिन पार्षद चाहे तो रात रात में रोड बनवा सकते हैं। नहीं, उनसे बातचीत हुई थी सर हमारी चैनल के माध्यम से, तो उन्होंने ये कहा था कि वो पहले सरपंच भी रह चुके दो योजना, उनका कि हमारे कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो हमारा 10 साल का टाइम पीरियड था उसमें रोड बिल्कुल क्लीन था। तो अभी आप लोग उनसे मिले या नहीं मिले? सर हम तो नहीं मिले, ग्राम की पंचायत मिली हो तो पता नहीं जी, क्यों मेरा गांव जटोला है, मैं यहाँ रेंट पे रह रहा हूँ दुकान में,
और बाकी कुछ कोई समाधान होने का, डेढ़ दो साल हो गए हमें देख देखते, हम रेंट घर से ला के दे रहे हैं। भाई साहब आपका गांव शायद जमालपुर, जमालपुर, तो जमालपुर गांव में तो दिग्गज नेताओं ने जन्म लिया है, रघु यादव जैसे दिग्गज नेता इसी गांव से निकले, तो क्या आप अपने गांव के विकास के लिए कुछ भी? विकास तो होना चाहिए। ये कैसा विकास है? ये विकास ही तो नहीं हो रहा ना है, ये पाँच दस साल से ऐसे ही हो रहा है जी। हर गाड़ियों के बम्फर वगैरह टूट जाते हैं, किसी के चोट लग जाती है। तो सर इसमें कहीं गांव की राजनीति तो इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, इस विषय में कोई गांव की राजनीति इन्वॉल्व हो? नहीं, गांव की कोई राजनीति, कोई राजनीति इन्वॉल्व नहीं है। ग्रेयर स्कूल की बस यहां से जा रही है, लेकिन इनको भी आप बच्चों को देख सकते हैं, अगर यहां पर पेंचर भी बस का हो जाए तो बच्चे भी इस दलदल से या इस पानी से, इस नदी के बहाव से ही होकर गुजरेंगे। जबकि एक दुर्घटना का विषय अभी दो तीन दिन पहले महेंद्रगढ़ में देखने को मिल चुका है, स्कूल के विषय में भी, तो दुर्घटना का कारण बना हुआ है। हम भी कहना चाहेंगे कि शासनिक अधिकारी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे, ताकि आम जनता को इस गंदगी से, इस नदी से निजात मिल सके। हालांकि गांव के सरपंच का यह कहना है कि किन्हीं कारणों से यह काम रुक गया, वरना एक महीने पहले ही इसको साफ करा दिया गया था। क्या इस मामले में राजनेता और शासनिक अधिकारी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जनता के लिए कोई ना कोई खुशी का पैगाम लाएंगे? क्या आम जनता को दी जाएंगी सुविधाएं? क्या होगा स्वच्छ भारत का सपना साकार?